स्टूडेंट, आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे कक्षा 10 यूपी बोर्ड के लिए विज्ञान साइंस। तो इसमें आप देख रहे हैं कार्बन से संबंधित लेसन, आपका जो इसमें लेसन चल रहा था वो पार्ट नंबर 4, लेसन नंबर 4 चल रहा था कार्बन तथा उसके यौगिक। ये आपके लेसन का नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक। तो उसमें हमने लास्ट टाइम आपको कार्बन के बारे में बता दिया था और इसमें साबुन था उसे बता दिया था और भी इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे वो आपको बता गए थे। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की IUPAC पद्धति। तो IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ये एक पद्धति बनाई गई है, इसके आधार पर नाम दिए जाते हैं ताकि पूरे क्या है देश विदेश में किसी भी यौगिक के नाम एक जैसे रहें और उसका क्या है अलग अलग नाम ना हो। अगर अलग अलग नाम होगा तो दिक्कत होगी, ठीक है, क्योंकि एक जगह यदि किसी एक उत्पाद या एक प्रोडक्ट का नाम दूसरा है और उसी का नाम अन्य जगह दूसरा है तो लोग उसको जान नहीं पाएंगे, ठीक है। इसलिए ये IUPAC पद्धति बनाई गई है ताकि लोग क्या है एक जैसा नाम हो सभी देशों में अलग अलग जगह पर भी। तो देखिएगा इसमें कि IUPAC पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण निम्नलिखित क्रम में किया जाता है। अब देखिए जो आपको नाम लिखना होगा उसमें कौन कौन सा क्रम लगेगा वो हम बता दे रहे हैं आपको। तो सबसे पहले पूर्व लग्न आता है, ठीक है, क्या आता है पूर्व लग्न, फिर मूल शब्द आता है, फिर प्राथमिक अनुलग्न आता है, फिर द्वितीयक अनुलग्न आता है। तो आपको ये सब नोट्स भी बनाते चलने हैं, लिखते भी रहना है और हम आपको बताते रहते हैं। तो यदि आप IUPAC नाम लिखना सीखना चाहते हैं तो क्या है सबसे पहले आपको लिखने के लिए पूर्व लग्न लगाना पड़ेगा, फिर मूल शब्द और फिर प्राथमिक अनुलग्न, फिर द्वितीयक अनुलग्न। अब जो हमने आपको ये सब बताए हैं अब ये होते क्या हैं ये धीरे धीरे आप जान पाएंगे। तो मूल शब्द क्या होते हैं, जब कार्बन एक होगा उसके लिए मेथ आता है, दो कार्बन के लिए एथ आता है, तीन कार्बन के लिए प्रोप, फिर ब्यूट, फिर पेंट, फिर हेक्स और फिर हेप्ट ऑक्ट, आठ कार्बन के लिए ऑक्ट आता है, नौ कार्बन के लिए नॉन और दस के लिए डेक आता है, ठीक है। आप लोगों को आठ तक सीखने हैं। तो मूल शब्द क्या होते हैं, अगर कहीं लिखा है कार्बन 4 या C4, ठीक है, तो कार्बन 4 के लिए वहाँ पर ब्यूट आएगा। अब पूर्व लग्न देखिए क्या होता है, पूर्व का मतलब होता है पहले, ये प्रोम पहले आते हैं हमेशा। यह मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से प्रतिस्थापित करने वाले प्रतिस्थापकों तथा पार्श्व श्रृंखलाओं की संख्या व कार्बन पदार्थों में स्थित को प्रदर्शित करता है, जैसे CH3, अगर कहीं पर CH3 जुड़ा है, ठीक है, तो ये पूरा अलग एक पूर्व लग्न पूरा ग्रुप बन जाता है। अगर कहीं C2H5 जुड़ा है तो ये एथिल समूह बन जाता है, BR जुड़ा है तो ब्रोमो बन जाता है, OR जुड़ा है तो एल्कोक्सी समूह बन जाता है। ये पूर्व लग्न के एक तरीके के उदाहरण हैं, आप ये समझ सकते हैं। अब देखिए प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है, प्राथमिक जैसे कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो इसमें सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, तो वो प्राथमिक अनुलग्न होते हैं। द्वितीयक अनुलग्न में ये आएगा अगर कहीं पे जो है कि समूह जुड़ा है। द्वितीयक अनुलग्न क्या होते हैं, ये क्रियात्मक समूह की वरीयता को व्यक्त करता है। क्रियात्मक समूह की वरीयता क्या है, COOH इसके लिए OH आता है, ठीक है, फिर SO3H, COR, COX, X यहाँ पे हैलाइड है, RCH3 है। तो ये जो आप पूरा क्रम देख रहे हैं, सबसे पहले हम इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे, फिर इसको, फिर इसको, यही पूरा क्रम चलता रहेगा लास्ट तक, ठीक है। तो इसमें आपके लिए जो सबसे ज़्यादा सीखने योग्य बात ये है कि अगर हम IUPAC नाम लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें पूर्व लग्न लगाना पड़ेगा, फिर मूल शब्द, फिर प्राथमिक अनुलग्न, फिर द्वितीयक अनुलग्न। अब पूर्व अनुलग्न ये दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया है, जैसे CH3 तो मेथिल आएगा, C2H5 एथिल आएगा। तो पूर्व लग्न के बाद मूल शब्द आता है, ठीक है, तो पूर्व लग्न के बाद ये मूल शब्द दिया है, उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एल्केन, एल्कीन, ये सब प्राथमिक अनुलग्न है और वहाँ के द्वितीयक अनुलग्न है।
आप इसे नोट कर लेंगे। अब उसके बाद अगर कहीं किसी का नाम लिखने के लिए आ जाता है तो आप कैसे उसका नाम लिखेंगे, हम आपको यहाँ पे अभी कुछ उदाहरण करवा दे रहे हैं। तो देखिए, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा है, ठीक है, तो इसमें कार्बन कितने हैं, ये जो है ये क्लोरीन है, तो कार्बन जो है इसमें वो एक नंबर कार्बन, ये दो नंबर और ये तीन नंबर, तो इसमें तीन कार्बन हैं। कितने कार्बन हैं, तीन। तो अगर तीन कार्बन होते हैं तो हम उसके लिए क्या आता है, उसके लिए आता है प्रोप। तो तीन कार्बन के लिए प्रोप आएगा, ठीक है, क्या आएगा, प्रोप। फिर सिंगल बॉन्ड है, कहीं डबल बॉन्ड नहीं लगा है, सिंगल बॉन्ड जुड़ा होता है तो एन आता है, उसके लिए एन, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। और यहाँ पे सी एल क्लोरीन जुड़ा है तो उसके लिए पहले सी एल के लिए क्लोरीन जुड़ जाएगा तो नाम हो जाएगा क्लोरो प्रोपेन। अब ये क्लोरो प्रोपेन कैसे आया, तो सबसे पहले सी एल के लिए जुड़ा था तो सी एल के लिए क्लोरो क्लोरीन आ गया, तीन कार्बन थे प्रोपेन आ गया, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन आ गया, डबल बॉन्ड होता तो प्रोपीन आ जाता। एक और देखते हैं, नेक्स्ट मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, एक ऊपर लिखा है एक नीचे लिखा है, दोनों ये जो लिखा है ये बिल्कुल सेम ही है, जैसे CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड BR, ठीक है, तो और इसके ऊपर जो लिखा है वो क्या है, इसके ब्रांचेस कर दी गई हैं, इसे डिटेल में लिख दिया गया है, बाकी लिखा गया लेकिन उसका अर्थ ही यही है। एक्चुअली इसका नाम है ब्रोमो प्रोपेन। ये ब्रोमो प्रोपेन आया कैसे है, जो BR लगा है BR ब्रोमो कहेंगे, फिर तीन कार्बन है, आप देख रहे हैं, गिनती कर सकते हैं, एक दो तीन, तीन कार्बन के लिए क्या आता है, हमने आपको ऊपर ही बता दिया था, तो तीन कार्बन के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोप आता है। तो ये आपको पूरी लिस्ट बनानी पड़ेगी और उसे आपको देखना पड़ेगा। तो तीन कार्बन के लिए यहाँ पे प्रोप आया था और BR के लिए ब्रोमो, तो इसका नाम हो गया है ब्रोमो प्रोपेन। क्या नाम हो गया है, ब्रोमो प्रोपेन। तो इस तरीके से इसके नाम लिखे जाते हैं। अगर उसके बाद और भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, जैसे कि अनुलग्न हैं तो उसका भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे CH3 CH2 CH2 OH, तो OH यहाँ पे OH के लिए क्या आता है, OH के लिए ऑल आएगा। ये जब आप धीरे धीरे लिखते रहेंगे इसे क्या है तो आप सीख जाएंगे। तो यहाँ पे भी तीन कार्बन है, फिर तीन कार्बन के लिए प्रोपेन आएगा, लेकिन OH जो होता है OH के लिए ऑल आता है, OH के लिए क्या आता है, ऑल आता है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। तो प्रोपेन प्लस ऑल जुड़ जाएगा तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। आज के लिए इसमें से आप नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर कहीं CHO लिखा है, ठीक है, CHO, तो उसके लिए L आएगा, क्या आएगा, L आएगा। तो देखिएगा इसका नाम CH3 CH2 CHO। अब देखो, अगर इसमें बात करें तो टोटल कार्बन गिरेंगे, काउंटिंग करेंगे तो मेथ एथ प्रोप, तीन कार्बन इसमें भी हैं तो तीन कार्बन के लिए आएगा प्रोप। और उसके बाद अगर कहीं CHO लगा होता तो उसके लिए L आता है, ये L आता है, ये ऑलरेडी इसमें फिक्स है, ये आपको याद करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल। अगर कहीं पे OH होता है तो ऑल आता है, ठीक है, और CHO होता है तो अल आता है, तो ये डिफरेंस है, आप ध्यान रखिएगा, ये जो है ये CHO के लिए है और ये है ये OH के लिए है, ये अंतर है। तो हमने इसमें और भी दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, इनको आप अपने आप लिखेंगे, अपने आप एक दो बार इसको देख देख के लिखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें जान पाएंगे कि हाँ क्या कैसे आया है, ठीक है। बाकी डिटेल में हम आपको इसका क्या है इमेज वगैरह सेंड कर देंगे, आप उसे देख सकते हैं। तो आज आपके लिए होमवर्क इतना है कि जो भी आपको IUPAC ने बताए गए हैं आप इनको एक लिस्ट बनाएं कि मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट
ऑक्ट, ये पूरी लिस्ट बनाएं, ऐसे ही सारी लिस्ट बनाएं और उसे पढ़ें और याद करें, और जो आपको चार आईपीएससी नेम बताए गए हैं उसे पढ़ें और याद करें। आज के लिए इतना ही।